Ja, so. Warum sammeln? Ja, bitte. Lebensmittel. Warum Lebensmittel? Warum Lebensmittel? Warum Lebensmittel? Warum Wait, sir. Wait. Oh. Thank you, sir. Good to see you. Tell us, क्या experience रहा आज वरुण class देने मतलब यहाँ students से मुखातिब हुए आप इतनी कामयाब film एक अलग level पे ले जाना खासकर कि आपके किरदार को वरुण tell us कैसा experience रहा अंदर और क्या-क्या curiosity थी students के दिल में क्या किस तरह के सवाल जवाब का session रहा है बहुत अच्छा रहा आज का जो session था and especially when you interact with students it's always a different feeling altogether because मैं खुद वहाँ पे थोड़े साल पहले उस कुर्सी में बैठ के सवाल पूछता था जब कोई आता था तो ऑब्वियसली जो क्यूरियोसिटी थी जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत अच्छा लगा देख के स्टूडेंट्स के मैं एंड सच अमेजिंग क्वेश्चंस दैट वी हैड एंड ये जो सेशंस होते हैं इनसे एज एन एक्टर ऑल्सो कि आपको भी अपनी जर्नी वापस से याद आ जाती है एंड यू काइंड ऑफ रीलिव योर ओन जर्नी वाइल यू टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स हैपेंड क्या क्या चीज़ें करी आपने ज़िंदगी में किस तरह से रस्ते बनते गए सो इट्स ऑलवेज वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट्स रियली नाइस एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एट व्हिसलिंग वुड्स एंड रियली थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर हियर एंड फॉर दिस अमेजिंग सेशन तो बहुत मज़ा आया मुझे ओके सर आप जाना चाहूंगा क्या सोचा था इन्होंने वर्क वर्किंग मेरा प्रोजेक्ट क्योंकि फुकरे अपने आप में एक ब्रांड है नो और फिर फुकरे रिटर्न और उसको भी इतनी कामयाबी मिलना और फिर ये यू नो व्हाट वाज योर रिएक्शन मिसली मोड इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूट इंडिया है क्या रिएक्शन था आपका द मोमेंट यू केम टू नो यू दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन सी आई हैव हैड अ वेरी आप शायद लोगों को पता नहीं होगा आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद सुभाष जी एंड विस्लिंग वुड्स मैं जब मेरी पहली फिल्म बनाने से पहले आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट हियर बट मैं सुभाष जी को असिस्ट कर रहा था ब्लैक एंड वाइट एंड युवराज में तो उस टाइम एंड आई थिंक फर्स्ट बैच ही चल रहा था तो आई हैव काइंड ऑफ मतलब वी ऑल हैव स्टार्टेड टुगेदर इन इन दिस इंस्टीट्यूट इन दिस इंस्टीट्यूशन तो मुझे जब पता चला मैं पिछली बार भी आया था फुकरे के बाद भी आया था वी हैड अ गुड इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट एंड अच्छा है क्योंकि आपने तो सेम फिल्म बनाई है फुकरे वन फुकरे टू स्टूडेंट्स चेंज हो गए हैं तो सवाल कुछ चेंज हुए हैं सो दैट वॉज अ गुड थिंग एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू इंटरेक्ट विद हिम इनफैक्ट हमारे कुछ हो नहीं रही थी कोऑर्डिनेशन डेट्स की तो मैं ही चाह रहा था कि आऊँ मैं क्योंकि आई लव इंटरेक्टिंग विद विद द स्टूडेंट्स क्योंकि उनके सवाल कुछ दे काइंड ऑफ मेक यू थिंक एब्सोल्युटली मैं उसको गाड़ी में आते हुए वही बता रहा था तो कि हम यहीं पे मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ और होता था पहले ये होता था यहाँ पे हमारे एंड वी वर डूइंग अ फिल्म सो एज आई सेड दैट आई वाज नॉट अ स्टूडेंट तो हम एक प्रोडक्शन वाले थे तो हमारे यहाँ पे हंसना खेलना लड़ाइयाँ ये वो सब इसी इंस्टीट्यूट में हुआ है हमारा एडिट यहीं होता था एंड ऑफकोर्स दिस वॉज काइंड ऑफ अ वी वर वर्किंग आउट ऑफ हियर हमारे शूट तो बाहर ही होता था बट पोस्ट वॉज हैपनिंग हियर एज वेल सो ऑफकोर्स इट्स नॉस्टैल्जिक एंड आई एम लाइक रियली अनफॉर्चुनेट दैट आज सुभाष जी है नहीं बिकॉज आई वॉज रियली लुकिंग ओवर टू मीट हिम बट आई डेफिनेटली गो एंड मीट हिम एट हिज प्लेस So I've been part of the school since before it started. So I've seen Brig for over 12 years now. We've kind of known each other. So it's even the when Fukre 1 had released and he had come to do the session, it was great, it was outstanding. And when Fukre 2 did so well, we wanted the team to come back and carry on from the last session. The key bit about, you know, somebody who's seen who we know for such a long time is we can actually probe them into asking questions about how their careers have shaped up because their careers are the path that we would like our students to follow. To go from an education to an assistant level, from assistant level to a, you know, to a creator, to an ideator level, and that's the path that we would like our students to follow. And who better to talk to them about it than somebody who's actually walked the path.
So it's very important that, you know, such kind of people come back and share their experiences. So students learn much, much more from their, you know, the paths that they have walked. Okay, Varun, जब मैं आपकी किरदार की बात करता हूँ, फुकरे पहली फुकरे से लेकर अब तक, you know, चूचा सबके जहन में है, वो बहुत impressive किरदार रहा है, and you continue to do so even in फुकरे written. Do you get little worried? You know, you may get typecast. करेक्ट नो नो मैं आपको मैं इससे बहुत बारी ये सवाल पूछा गया है कि इफ आई फील स्केर्ड इफ आई एम गोना गेट टाइपकास्ट एंड ऑल दैट. फर्स्टली तो अगर आप जिस तरह से भी आपने कहा कि चूचा का जो किरदार है उससे काफ़ी लोग क्योंकि जहन में चला गया है और काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको पसंद करते हैं. आई थिंक एक्टर के लिए सबसे बड़ी जीत ही वो होती है कि उसके किरदार के नाम से उसको अगर जाना जाए तो. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इफ आई फियर ऑफ गेटिंग टाइपकास्ट एंड ऑल दैट, आई थिंक सबसे पहली बड़ी चीज़ जो अचीवमेंट है फॉर एनी एक्टर इज टू गेट कास्ट फर्स्टली ऑन अ रेगुलर बेसिस इन बिग फिल्म्स. टाइप कास्टिंग कम्स मच लेटर, सो आई एम रियली नॉट वरीड अबाउट दैट. ओके, देयर आर पॉसिबिलिटी, दो इट इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, देयर आर पॉसिबिलिटी कमिंग विद द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ फुकरे. लगता है एंड से छोड़ा है, लेकिन तीसरा भी होगा. नहीं, हमने एक्चुअली सी आई वुड नॉट डिनाई इट बट कांट से रियली, मतलब वो इट्स पहले डबल द प्रेशर था, अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू लिव अप टू बोथ द फिल्म्स नाउ. सो ऑफकोर्स कंपेरिजन्स आर मेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड सो आई विल नॉट डिनाई इट एंड इट विल बी सिली फॉर मी टू डिनाई राइट नाउ एंड कल अनाउंस कर दिया, ऐसा कुछ कोई है नहीं. वी आई मीन इफ समथिंग इफ यू गेट अ गुड लाइक इफ यू क्रैक अ गुड आइडिया एंड मेक अ गुड स्टोरी अराउंड इट, वील मेक इट. अदरवाइज ऐसा नहीं है. एंड देर the thing, the good thing and the best thing is that क्या होता है कि अभी sequel है, franchisee है, तो producer pressure डालते हैं कि यार तू यही कर, बना दे, खत्म कर, जैसे भी है. so they are also like actually कि जो तेरे को next करना है, मतलब of course they have to like it, it has to be, it doesn't have to be फुकरे. so कुछ आता है तो बनेगा, नहीं तो I mean I'll be very happy with. Yeah, but I mean, Excel are great producers that way. Yeah, that. So the thing is that ki aisa ho jata hai pressure ki, and if you and you can't blame them even if they ask you, because it's a business thing, it's a franchisee. आप हल्की सी भी एक हल्की भी film बना दोगे फुकरे 3 के नाम पे, they can probably make money still on it, but they wouldn't want to do that. And there is some quality that we would at least from our side. वो पिक्चर चलती है नहीं चलती है, nobody can guarantee that. भोली पंजाबन का आइडिया कहाँ से आया? भोली पंजाबन मैं अभी भी स्टूडेंट से शेयर किया था. तो एक एक दिल्ली में यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड, आपको देखना पड़ता है. तो दिल्ली में एक है फीमेल है जिनका नाम है सोनू पंजाबन, एंड शी वॉज इन टू दिस काइंड ऑफ ट्रेड. सो वी काइंड ऑफ टुक दैट आइडिया फ्रॉम हर, एंड शी वॉज लाइक हाउ वी शोन रिचा इन द फिल्म. वो एक स्वैगर, हाँ स्वैग था, एक जोश था, एक चूचा चूचा का भी अगेन देवर पीपल अराउंड अस. मतलब जब फर्स्ट फिल्म में हमने जब किया था तो एक्चुअली एक लड़का था जो देखता था सपने, और उसका जो दोस्त था वो उसको डीकोड करता था और लॉटरी खेलते थे. वो मतलब वो रियल इंसिडेंट है. भोली पंडित जी, आई थिंक एवरीवन. आई वुड वांट टू आस्क यू, वुड यू वांट टू वॉच फुकरे 3 विदाउट चूचा? That's a bizarre question actually. Very sorry, I mean I should not be rude to you. I agree what you're saying, I'm not denying that. But that question doesn't arise. No, at least something from his end, at least we get a quote from his. No, but that's the quote for the sake of it. No, but of course, I think all of us. No one will watch. No. I mean, it's a. Yeah, okay, anyway. But I think all of us, I think everyone, the entire team will be very excited if we crack the right storyline and if Fukre 3 happens. And I think we'll all be very, very happy and we'll really look forward to it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.